अब हमारे पास एक रिजल्ट है कि यू एंड वी आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ मोड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू नॉर्म ऑफ वी। ठीक है, ये रिजल्ट हमें प्रूफ करना है, इफ एंड ओनली रिजल्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने इनकी इक्वालिटी मान ली कि लेट दिस इज इक्वल टू दिस। रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या हो गया, यू एंड वी आर लीनियरली डिपेंडेंट। पहले हमने माना इफ यू इज इक्वल टू जीरो, हमें पता है अगर एक भी वेक्टर जीरो हो जाए तो फिर वेक्टर्स क्या हो जाते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, एक भी वेक्टर जीरो हो तो यू और वी में से एक भी वेक्टर जीरो हो तो यू और वी क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। ये हम थ्योरम कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए अब हमने मान लिया कि यू क्या है, नॉन जीरो। फिर हमने डब्ल्यू एक वेक्टर लिया, वी माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर इनटू यू। ये डब्ल्यू वही है जो हमने कोशिश कुराज इनइक्वालिटी में लिया था। ठीक है, फिर उस इनइक्वालिटी में हमने ये भी करके दिखाया था कि अगर हम डब्ल्यू की डब्ल्यू के साथ इनर प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये आंसर आता है। इसका प्रूफ देना है और इसका प्रूफ जो है वो कोशी इनइक्वालिटी के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, प्रूफ इसका आपको देना है। उसके बाद इसका हमने एलसीएम ले लिया, इतना आ गया। ठीक है, इसके बाद अब हमें ये दे रखा है कि ये बराबर है इसके, तो इसका स्क्वायर इक्वल आएगा इसके स्क्वायर के, तो उनका डिफरेंस स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, यहां से जीरो। ठीक है, तो ये हो गया जीरो बाई नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर, मतलब कि जीरो। इसका मतलब डब्ल्यू की डब्ल्यू के साथ इनर प्रोडक्ट कितनी आ रही है, जीरो, और सेम की सेम के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो हो तो एलिमेंट ही क्या हो जाता है, जीरो। W की वैल्यू पुट कर दी, दिस इज इक्वल टू जीरो। यहां से V किसके इक्वल आ गया, दिस इंटू यू के, जिसमें ये सारा क्या है, एक स्केलर है, क्योंकि इनर प्रोडक्ट निकलने के बाद जो आंसर आता है वो स्केलर आता है, और किसी एलिमेंट की नॉर्म निकलने के बाद जो आंसर आता है वो भी स्केलर आता है। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, स्केलर। इसका मतलब V इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ U, और ये भी हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर दो वैक्टर्स हैं और उनमें से एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है तो वो दोनों वैक्टर्स क्या हो जाते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। अब हमें करना है इसका कन्वर्स कि अगर यू और वी लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये बराबर आएगा इसके। सो कन्वर्सली में हमने माना था कि यू और वी लीनियरली डिपेंडेंट है, और फिर हमने वो थ्योरम लगा दी कि अगर यू और वी लीनियरली डिपेंडेंट हो तो यू वी का स्केलर मल्टीपल या वी यू का स्केलर मल्टीपल टाइप का दिखाई देगा। तो हमने मान लिया लेट यू इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ वी। नाउ अब हम ये निकाल के देखते हैं। ठीक है, इसमें हमने यू की वैल्यू पुट कर दी एवी, फिर ये थर्ड प्रॉपर्टी लगा दी कि जो स्केलर्स हैं वो बाहर आ जाएंगे, और क्योंकि आगे की तरफ है तो सिंपल ए बाहर, फिर ये हो जाएगा ए का मोड, और वी की वी के साथ इनर प्रोडक्ट किसको रिप्रेजेंट करती है, नॉर्म ऑफ वी के स्केयर को। ऑल्सो नॉर्म ऑफ यू नॉर्म ऑफ वी निकालते हैं, यू की वैल्यू पुट कर दी, इसका फॉर्मूला लगा दिया ए का मोड और वी की नॉर्म, और ये ऐसे कैसा, तो ये हो गया ए का मोड और वी की नॉर्म का होल स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल आ गए। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि कोशी इनइक्वालिटी में इक्वालिटी आ जाएगी, ये हमारी कोशी इनइक्वालिटी थी, इसमें इक्वालिटी आ जाएगी इफ एंड ओनली इफ यू एंड वी आर लीनियरली डिपेंडेंट। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी। स्टेटमेंट क्या है, अगर v कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस है देन नॉर्म ऑफ u प्लस वी इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। नाउ इसका प्रूफ में हमने लिखा नॉर्म ऑफ u प्लस वी का स्क्वायर। नॉर्म ऑफ u प्लस वी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ u प्लस वी विद u प्लस वी। फिर इसको खोल दिया, पहले u की u प्लस वी के साथ, फिर v की u प्लस वी के साथ, फिर इसको फर्दर खोल दिया u की u के साथ इनर प्रोडक्ट u की v के साथ, v की u के साथ, v की v के साथ, सेम की सेम के साथ, तो हो गई नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर, ये हो गई नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर, ये ऐसी की ऐसी है, और इसके हमने कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज करने हैं, तो यहां पर 12 आ गया, कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज हो गई। ठीक है, फिर हमें ये रिजल्ट पता है कि ये तो क्या है, रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड, क्योंकि मान लो जेड की वैल्यू है एक्स प्लस एयोटा वाई, जेड बार कितना हो गया x माइनस एयोटा वाई, एंड जेड प्लस जेड बार अगर करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या 2x, दिस इज इक्वल टू 2, x किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रियल पार्ट ऑफ z को। ठीक है, सो जेड प्लस जेड बार का फॉर्मूला है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, तो ये हमने लिख दिया कि दिस प्लस दिस का बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, उसके बाद रियल पार्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे कि z का x आया, ठीक है, क्या वो, यहां से देखो,
क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि x इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर होता और उसका अंडर रूट निकालते तो x आ जाता, लेकिन एक्स स्क्वायर में कुछ प्लस कर रहे हैं और फिर उसका अंडर रूट निकाल रहे हैं, तो अंडरस्टूड है आंसर x या x के इक्वल या उससे ज्यादा ही आएगा। ये रिप्रेजेंट करता है रियल पार्ट ऑफ z को और ये रिप्रेजेंट करता है मोड ऑफ z को। तो वहां से हो गया कि रियल पार्ट ऑफ uv इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ z का मतलब इनर प्रोडक्ट ऑफ uv। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। और अभी हमने क्वेश्चन इक्वालिटी की थी, क्या थी, दिस टर्म इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u नॉर्म ऑफ v। तो कुल मिलाकर ये इससे कम है, ये फर्दर इससे कम है, तो ये कम हो गई इससे, इसकी वैल्यू हमने यहां पर ये पुट कर दी कि रियल पार्ट ऑफ दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू नॉर्म ऑफ वी। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी ए प्लस बी का होल स्केयर। फिर ये स्केयर से स्केयर कट के हमारे पास बच जाएगा नॉर्म ऑफ यू प्लस वी इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू नॉर्म ऑफ वी, और यही हमें प्रूफ करना था।